हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम ए वीडियो रे डिस्कस करिबा फिजिकल साइंस रो फोर्थ चैप्टर कार्बन वो एहार जौगिकर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बर्तमान आम देखा एक नंबर क्वेश्चन। तो देख ये कौन दी सह संयोज्य बंध क्या कहती। तो आंसर देख, दुईट परमाणु मध्य गोटे इलेक्ट्रॉन जुगल सहभाजन द्वारा गठित होता बंध को सह संयोज्य बंध बोली कहवा। तो ये आंसर कौन, दुईट परमाणु मध्य जदि गोटे इलेक्ट्रॉन जुगल सहभाजन, तार अर्थ हो कौन शेयरिंग। तो सहभाजन द्वारा गोटे बंध सृष्टि हे ताक कौन कह सह संयोज्य बंध बोली कह। तो देख जदि आम एक्जाम्पल कौन हाइड्रोजन अणु नेबा, ठीक अच्छे। तो ये कौन हेच टू अणु निगला, ताल देखो ये हाइड्रोजन के दुईटी। देखो आम जानचे कौन हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक हूँ कैसे एक, तार अर्थ कौन यार बाह्यतम कक्ष में गोटे इलेक्ट्रॉन रहिबो। तो देखो आम नहीं जा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं जावा, तो आर इलेक्ट्रॉन को मध्य कौन क्रॉस नहीं जावा। ताल देखो ये हाइड्रोजन टा कौन ऑक्टेट स्थिति में पहुंचापी ताको आउ गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ो, तार अर्थ कौन ये कौन से परस्पर शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग कले कौन हम से ऑक्टेट स्थिति में रही पारे, बुझा पड़ी ना। तो ये कौन है इलेक्ट्रॉन जुगल सहभाजन है मानने कौन से परस्पर को कौन शेयरिंग कले। तो शेयरिंग करने द्वारा कौन गोटे बंध सृष्टि हे, बुझा पड़ी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मध्य कौन एक बंध सृष्टि है, तो से बंध को आम कौन कह सह संयोज्य बंध बोली कह, बुझा पड़ा कि। तो से देख नेक्स्ट नंबर कैटिनेसन मान कौन। तो आंसर देख, कार्बन रो अन्य कार्बन परमाणु सहित बंध गठन करी बृहत अणु सृष्टि करने रही सामर्थ्य को कैटिनेसन कहा जाए। तो ये कैटिनेसन माने कौन, गोटे कार्बन अन्य कार्बन परमाणु सहित से बंध गठन करी एक बृहत अणु से सृष्टि कर, तो से सामर्थ्य को आम कौन कह कैटिनेसन बोली कह, बुझा पड़ा। तो नेक्स्ट नंबर प्रुक्त कार्बन जौगिक क्या कहती। तो आंसर देख, कार्बन जौगिकर कार्बन कार्बन मध्य जदि एक बंध रहिले ताहाको आम कौन कह प्रुक्त कार्बन जौगिक बोली कह। जदि कौन कार्बन कार्बन मध्य जदि एक बंध रहिबे आम कौन कह प्रुक्त कार्बन जौगिक बोली कह। तो नेक्स्ट नंबर अप्रुक्त कार्बन जौगिक क्या कहते। तो आंसर देख, कार्बन जौगिकर कार्बन कार्बन मध्य जदि द्विबंध किंवा त्रिबंध रहिले ताहाको आम कौन कह अप्रुक्त कार्बन जौगिक बोली कह। जदि कौन कार्बन कार्बन मध्य जदि द्विबंध किंवा त्रिबंध रहिबे आम कौन कह अप्रुक्त कार्बन जौगिक बोली कह। तो नेक्स्ट नंबर हाइड्रोकार्बन क्या कहा जाए। तो आंसर देख, जो कार्बन जौगिक केवल कार्बन व हाइड्रोजन रही सेगुड़ी को आम कौन कह हाइड्रोकार्बन बोली कह। एग्जांपल देख मन कर ने कौन सी एच फोर मिथेन निगला। तो ये कौन देख, एज कार्बन जौगिक केवल कौन रही कार्बन रही कौन रही हाइड्रोजन रही हूँ कौन गोटे हाइड्रोकार्बन, बुझा पड़ा कि। तो नेक्स्ट आम देखा छः नंबर क्वेश्चन। तो बर्तमान आम देखा छः नंबर क्वेश्चन। तो देख ये कौन दी आल्केन क्या कहा जाए। तो आंसर देख, जो हाइड्रोकार्बन रे कार्बन कार्बन मध्य केवल एक बंध थाए ताक आम कौन कह आल्केन बोली कह, बुझा पड़ा। जो हाइड्रोकार्बन रे कार्बन कार्बन मध्य जदि गोटे बंध थे आम कौन कह आल्केन बोली कह। तो से नेक्स्ट देख, आल्किन क्या कहा जाए। तो देख ये आंसर कौन, जो हाइड्रोकार्बन रे कार्बन कार्बन मध्य जदि द्वि बंध थे कौन कह आल्किन बोली कह, बुझा पड़ी। तो से नेक्स्ट नंबर आल्काइन क्या कहा जाए। तो आंसर देख, जो हाइड्रोकार्बन रे कार्बन कार्बन मध्य त्रिबंध थे आम कौन कह आल्काइन बोली कह। मन रख, जदि एक बंध थी मानने कौन आल्केन कह, तो से द्विबंध थी आम कौन कह आल्किन कह, त्रिबंध थी आम कौन कह आल्काइन बोली कह। तो नेक्स्ट नंबर देख, संरचनात्मक आइसोमर क्या कहा जाए। तो आंसर देख, कार्बन जौगिकर अणु संकेत सामान थी अणु भितर परमाणु सज्जा गुड़ाक भिन्न भिन्न हेले संरचनात्मक आइसोमर बोली कह। तो ये आंसर होची कौन, कार्बन जौगिकर जदि अणु संकेत सामान थी किंतु अणु भितर परमाणु सज्जा गुड़ाक भिन्न भिन्न हो। तो देख जदि आम एक्जाम्पल ने कौन मन कर आम कौन ब्यूटेन ने, तो ब्यूटेन संकेत कौन सी फोर एच टेन। ताल देख ये कार्बन के चारोटी, तो आम नहीं पार चारोटी कार्बन ने। तो यार देख खाली थी जर्जता को आम जब संपूर्ण करवाच के हम दस टी एच हम, बुझा पड़ी कि। मैंने देख सी फोर एच टेन है, तो यह कौन दीर्घ श्रृंखला आकार सजेले। तो से नेक्स्ट देख मु करूँ,
तो देखो ये कार्बन के बर्तन रहा चारोटी कार्बन तो ये कौन कराला ये कौन शाखा युक्त ये कराला तो ये मतलब देख आम खाली जज्यता को आम संपूर्ण करवा मैंने देख ए कार्बन रारोटी जज्यता तो से ए कार्बन रारोटी जज्यता है ना तो ए कार्बन मध्य कौन चारोटी जज्यता तो से ए कार्बन रख वन टू थ्री फोर है देख ये हेच को जब करवा हेच दे सब पाखे ये कौन हेच मध्य के दसटा हेच ही हम बुझा पड़ी देख वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन ठीक अच्छे ताल देख ये कौन ब्यूटेन रि संकेत देख दुईट क्षेत्र में संकेत सामान कि कौन सी फोर एच टेन ये कौन सी फोर एच टेन ही रहा किंतु कौन देख अणु भितर परमाणु सज गुड़ा कौन ये भिन्न भिन्न है तो उपरे कौन ये आम दीर्घ श्रृंखला आकार सजेले तो ये कौन शाखा युक्त मध्यम आम सजेले बुझा पड़ी ताकि कौन कह संरचनात्मक आइसोमर बोली कह तो नेक्स्ट नंबर देख आल्किन ग्रुप प्रथम सदस्यर नाम वो संकेत लेख देख आल्किन आल्किन ग्रुप प्रथम सदस्य हूँ कौन एथिन है तो एथिन रु स्टार्ट हम नेक्स्ट कौन एथिन परे प्रोपिन ब्यूटिन पेंटिन हेक्सिन तो यहपर भाव में जीव ताल एथिन संकेत हूँ कौन सी टू एच फोर तो यह सब संकेत गुड़ा किपर मन रखे मुझे आगे गोटे भिड करदी जदि देख ताल मुझे लिंक डिस्क्रिप्सन में देदेगी तुम्हें देखिपर तो बर्तमान आम देखा एगार नंबर क्वेश्चन तो देख कौन देती कोयला वो पेट्रोल को कहीं जीवाश्म ईंधन कहुए तो आंसर कौन देख विभिन्न प्रकार उद्भिद हजार हजार वर्ष माटी तले पति होई कोयला एवं विभिन्न प्रकार सामुद्रिक उद्भिद और प्राणी मानक शरीर रु पेट्रोलियम प्रस्तुत होमंक जीवाश्म ईंधन कह तो आंसर कौन देख बड़ बड़ उद्भिद गुड़ाक हजार हजार वर्ष तले कौन माटी तले पति हो रही थी मान से बड़ बड़ उद्भिद मानक देहावशेष रु कोयला प्रस्तुत है तो से कौन सामुद्रिक उद्भिद एवं प्राणी मानक शरीर रु पेट्रोलियम प्रस्तुत तो तेणुक कौन से आम जीवाश्म ईंधन कह बुझा पड़ी तो नेक्स्ट देख आल्केन साधारण अणु संकेत कौन तो ये आंसर हूँ कौन सी एन एच टू एन प्लस टू मन कर देख प्रोपेन ना तो प्रोपेन मैंने देख ये कार्बन केतोटी रही तो प्रोप मान कौन कार्बन केतोटा तीन टा रहा देख ये कौन सी एन मैंने एन जगार कौन तीन पड़ा तालोले कौन सी एन मैंने सी थ्री एच कौन हम हेच ये कौन टू इंटु एन मान तीन तो कौन दुई तीन की छः छः प्लस दुई के आठ मान ये कौन प्रोपेन संकेत हो कौन सी थ्री एच एट बुझा पड़ी तो से नेक्स्ट देख आल्किन साधारण अणु संकेत कौन तो ये आंसर कौन सी एन एच टू एन देख जदि आम मन कर आल्किन रोटे सदस्य ना ने मन कर कौन ना आम ब्यूटिन ना ठीक अच्छे तो ताल कौन ब्यूट मान ये कार्बन संख्या कत चारोटी तो कौन हम बोले सी फोर एच कौन एच टू एन अच्छी मैंने कौन टू इंटू फोर केट हम तो सी फोर एच एट यहाँ हूँ कौन ब्यूटिन बुझा पड़े ना तो से कौन आम आल्किन रबू कौन सदस्य मानक संकेत गुड़ा आम जापर तो नेक्स्ट देख आल्काइन साधारण अणु संकेत कौन तो आल्काइन कौन सी एन एच टू एन माइनस टू तो देख मन कर आम ना कौन प्रोपाइन ना कौन ना प्रोपाइन प्रोप मैंने कौन कार्बन संख्या तीन तालोले सूत्र हूँ कौन सी एन एच टू एन माइनस टू मैंने कौन देख टू इंटु थ्री के सिक्स हम सिक्स माइनस टू कौन हम फोर हम ताल कौन सी थ्री एच फोर यहाँ हूँ कौन प्रोपाइन बुझा पड़ी देख ये कौन थी प्रोपेन थिला हूँ कौन प्रोपाइन बुझा पड़ा नेक्स्ट नंबर देख इथानल दहन समीकरण टी लिखापी कही तो देख ये इथानल संकेत हूँ कौन सी टू एच फाइव ओ एच मान देख ये कौन गोटे अल्कोहल ग्रुप तो ये कौन आम दहन करवा मैंने कौन थ्री ओ टू मैंने अक्सीजेन सहित प्रतिक्रिया करण उत्पन्न हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ताप वो आलोक शक्ति निर्गत हो बुझा पड़ी तो इथानल को जब आम कौन दहन करवा कौन उत्पन्न हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ताप वो आलोक उत्पन्न होची बुझा पड़ा तो नेक्स्ट आम करवा षोह नंबर क्वेश्चन बर्तमान आम देखा षोह नंबर क्वेश्चन तो देख ये कौन दे असम परमाणु कहले कौन बुझ तो आंसर देख जो परमाणु गुड़िक हाइड्रोकार्बन रे हाइड्रोजन बदल रे स्थान पाती से आम असम परमाणु बोली कह तो देख मुझे एग्जांपल नौ मन कर देख मिथेन ना सी एच फोर ताल देख यार इलेक्ट्रॉन संरचना कौन हम
एटा होची कोन मिथेन ने नै तो मिथेन होची कोन CH4 तो जदी आमी कोन H बदल दे जदी मु एठी कोन CL लगे देली ताहले एडी कोन हबो एडा होची क्लोरोमिथेन हेला बुझा पडची माने देखो एडी मु कोन करली हाइड्रोजन बदल रे मु अन्य एक मौलिक मु एठी रखि देली कोन रखली CL माने कोन हला एडा कोन थिला मिथेन थिला तो बर्तन कोन हला क्लोरोमिथेन हेला बुझा पडची ताहले कोन एठी CL डा होची कोन गोटिया असम परमाणु बुझा पडला कि ताउथरे देखो जेउ परमाणु गुडी को हाइड्रोकार्बन रे हाइड्रोजन बदल रे स्थान पाती तो सेमन को कौन कहवा असम परमाणु बोली कहवा बुझा पड़ा तो नेक्स्ट नंबर देख होमोलग श्रेणी माने कौन तो आंसर देख जो कार्बन जौगिक श्रेणी रे गोटे जौगिक तार पूर्ववर्ती जौगिक ठार गोटे CH2 एकक द्वारा पृथक रहे होमोलग श्रेणी कहुए तो देख जदि गोटे एक्जामपल ने देख आम आल्केन ग्रुप सदस्य गुड़ा ना फास्ट देख मिथेन हूँ कौन CH4 तापर कौन इथेन माने कौन C2H6 तापर हूँ कौन प्रोपेन माने C3H8 नेक्स्ट ब्यूटेन माने C4H10 बुझा पड़ी ताल देख आम देखा ये कौन गोटे जौगिक तार पूर्ववर्ती जौगिक ठार देख CH2 एकक द्वारा पृथक रोचे माने देख जदि आम ये दुटा नोटिस करवा तो ये देख ये सी के अच्छी गोटे अच्छी एटी के अच्छी दुईटी अच्छी तो सीपुर एटी देख H के चारो अच्छी H के अच्छी छटी अच्छी माने देख ये कौन CH2 ये प्रभेद हूँ कौन CH2 बा कौन डिफरेन्स के CH2 तो सहीपुर देख आम ये दुईटी देखा तो ये हूँ कौन इथेन आउ प्रोपेन देखा तो ये मत देख ये कार्बन मध्य डिफरेन्स अच्छी देख ये कौन कार्बन तीन टा अच्छी के दुईट अच्छी ताल कौन गोटे कार्बन डिफरेन्ट अच्छी तो सहीपुर हाइड्रोजन देखा ये आठटी अच्छी ये छटा अच्छी माने कौन ये दुईट हाइड्रोजन कौन ये डिफरेन्स प्रभेद अच्छी बुझा पड़ा ताल जानले कौन गोटे जौगिक तार पूर्ववर्ती जौगिक ठार गोटे CH2 एक द्वारा जदि पृथक रहे आम कौन कहवा होमोलग श्रेणी बोली कहवा एसबू हूँ कौन गोटे होमोलग श्रेणी बुझा पड़ा ना तो सहीपर नेक्स्ट नंबर देख कार्बन परमाणु कहीं एनायन सृष्टि करपे ना तो आंसर देख कार्बन छटी प्रोटन थिबा न्यूक्लियस पाई 10 इलेक्ट्रॉन को आयतरे रखिबा कष्टकर होइथिबारु एहा आनयन सृष्टि करिपारे नाही देख आमे जानिछे कोन कार्बन रो परमाणु क्रमांक होची केते 6 माने कोन एहार बाह्यतम कक्ष रे कोन एहार कार्बन रो कोन परमाणु क्रमांक जदि 6 ताले तार कोन 2 4 हेबो एहार बाह्यतम कक्ष रे कोन 4टी इलेक्ट्रॉन रहिबो ताले देख जदि से कोन 4टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिबो ताले कोन C4 माइनस आनयन सृष्टि हबो माने देख 4टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कला माने कौन से अक्रिय स्थिति रे रही पारिबो किंतु देखो आमे जानि से कोन गोटे परमाणु रो प्रोटॉन संख्या जति कि आ इलेक्ट्रॉन संख्या सेति कि रहिबो तो ताहले देखो एहार परमाणु क्रमांक होचि केते 6 तार अर्थ होचि कोन तार प्रोटॉन संख्या 6 आ इलेक्ट्रॉन संख्या 6 जदि से 4टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कला ताहले डी कोन हबो प्रोटॉन संख्या 6 हे जिवो किंतु इलेक्ट्रॉन संख्या कोन हबो 10 हे जिवो बुझा पड़चि तो सेडा एठी दिया छि देखो 6टी प्रोटॉन थिबा न्यूक्लियस पई 10टी इलेक्ट्रॉन से 4टी इलेक्ट्रॉन जदि ग्रहण कला ताहले कोन हबो 10टी इलेक्ट्रॉन को से आयतरे रखिया पई ताको कोन कष्टकर होय जिवो तेणु करी से कोन आनयन सृष्टि करि पारिबो नाही बुझा पड़चि ना नेक्स्ट नंबर देखो तीन कार्बन विशिष्ट आल्किन रो नाम वो संकेत लेख तो देखो तीन कार्बन माने कोन प्रोप हबो तो ताहले कोन एठी आल्किन माने कोन प्रोपिन हबो ताहले तार संकेत आमे किपर जानिबा आमे जानिछे कोन आल्किन रे कोन कार्बन कार्बन मध्ये रे कोन गोटे द्वि बंध रहिथिबो ताहले देखो मन कर आमे एठी कोन द्वि बंध दे देबा ताहले बाकी थिबा कोन जज जक आमे संपूर्ण करिबा तो ए कार्बन देखो 4टी हे गेला ए कार्बन रो देखो 1 2 3 4 तो ए कार्बन रो 1 2 3 4 दे देबा ताहले कोन एठी एच केतरा हला देखो 6टा हेच हला माने कोन C3H6 बुझा पड़ला ताहले कोन आल्किन रो संकेत होची कोन C3H6 तो बर्तमान आम देखा 20 नंबर क्वेश्चन तो देख ये कौन देखिए हीरा अणुर गठन लेख तो आंसर देख हीरा रे प्रत्येक कार्बन परमाणु 4टी लेखाएं कार्बन परमाणु सह संयुक्त हो दृढ़ त्रिविमीय संरचना गठन कर तो ये आंसर कौन देख हीरा रे कौन प्त्येक कार्बन परमाणु 4टी लेखाएं कार्बन परमाणु सहित संयुक्त हम माने कौन गोटे कार्बन अन्य 4टी कार्बन सहित कौन संयुक्त होकि दृढ़ त्रिविमीय संरचना गठन कर
କରିବ ବୁଝା ପଡୁଛି ତ ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ର ଗଠନ ଲେଖ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଖ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମତଳରେ ରହି ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ବିନ୍ୟାସ ଦେଇଥାଏ ତ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କାର୍ବନ ସହିତ ମିଶିକି ଏଠି କ'ଣ ଏକ ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ବିନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତ ସେହିପରି ଦେଖ ଏ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କାର୍ବନ ସହିତ ମିଶିବ ତ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ବିନ୍ୟାସ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼େଇଛି ତ ଯଦି ଦେଖିନ ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଓପେନ୍ କରିକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ତ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖ ଫୁଲରିନ୍ର ଅଣୁ ଗଠନ ଲେଖ ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଫୁଲରିନ୍ କାର୍ବନର ଏକ ଅପର ରୂପ ଯେମିତି କ'ଣ ହୀରା ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଯେମିତି କାର୍ବନର ଅପର ରୂପ ତ ସେହିପରି କ'ଣ ଫୁଲରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ବନର ଅପର ରୂପ ଏହାକୁ C60 ରୂପରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ C60 ରୂପରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଥିରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟବଲ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟବଲ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ତ ଫୁଲରିନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ବକ୍ମିନିଷ୍ଟର ଫୁଲର ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଫୁଲରିନ୍ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କିରୋସିନ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ କିରୋସିନ୍ ନୀଳ ଶିଖା କରି ଜଳେ କାହିଁକି ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ କିରୋସିନ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ବାୟୁ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଥାଏ କିରୋସିନ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ କ'ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଥ ରହିଥାଏ ବା ଗୋଟେ ହଲ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଥିପାଇଁ କିରୋସିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବାୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିପାରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ କିରୋସିନ୍ରେ କ'ଣ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଥାଏ ତେଣୁକରି କ'ଣ କିରୋସିନ୍ଟା ବାୟୁ ସହିତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବ ତ ମିଶିକି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦହନ ହୋଇପାରିବ ତ ଦହନ ହେବାରୁ କ'ଣ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶିଖା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶିଖା କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଦହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବ ତାହେଲେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶିଖା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଖ ଇଥାନଲ୍ରୁ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମୀକରଣ ସହ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଇଥାନଲ୍କୁ କ୍ଷାରୀୟ KMnO4 ମାନେ କ'ଣ ପଟାସିୟମ୍ ପାରାମାଙ୍ଗାନେଟ୍ କିମ୍ବା କ'ଣ ଅମ୍ଳୀୟ K2Cr2O7 ମାନେ କ'ଣ ପଟାସିୟମ୍ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍ ସହିତ ଯଦି ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳିବ ତ ଏଠି ସମୀକରଣ ଦେଖ CH3CH2OH ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଥାନଲ୍ ତ ଇଥାନଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ଷାରୀୟ KMnO4 କିମ୍ବା ଅମ୍ଳୀୟ K2Cr2O7 ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏଠି ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳୁଛି ତ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ CH3COOH ବୁଝିବା ପଡ଼ୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖ CH3Cl ଅଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ CH3Cl ଅଛି ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କାର୍ବନ ନେଇଯିବା ତ କାର୍ବନର କ'ଣ ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 4 କିମ୍ବା ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ତ କାର୍ବନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ନେଇଯିବା କ୍ରସ୍ ନେଇଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେଟା 3 ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଚ୍ ଦେବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଚ୍ ଦେବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଚ୍ ଦେବା ବୁଝିବା ପଡ଼ିଲା ଏଠି ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ବନର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ସେୟାରିଂ କରିବେ କିମ୍ବା ସହଭାଜନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ତ ସେପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେୟାରିଂ ହେବ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେୟାରିଂ ହେବ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍ର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ 7 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ର ଦେଖ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର ତ ସେହିପରି କାର୍ବନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସେୟାରିଂ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍ଟା କ'ଣ ଅକ୍ଟେଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ବନ୍କୁ ଦେବା ତ କାର୍ବନ୍କୁ ଦେଖ ପୁରା ଗୋଲ୍ ଦେଇଦେବା ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କାର୍ବନ୍ ମଧ୍ୟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ହେଇଗଲା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ CH3Cl ଅଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନା ତ ଆର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ ତ କ୍ଲୋରୋମିଥେନ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଟ୍ ସଂରଚନା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବା 1 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ଡେସ୍ ବୋଲି କହିଛି ତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ହେଉଛି କେତେ 0.02% ତ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପରିମାଣ ଡେସ୍ ତ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ହେଉଛି କେତେ 0.03% ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ CH3COOH ତାହେଲେ ଦେଖ ଏସିଡ୍
एसीटिक एसीड्र गलनांक ओ स्फुटनांक डेस बोली कहिछि। तो देख ये आम मन रखा एटे गलनांक देख केल्विन रे अछि, एटी स्फुटनांक देख केल्विन रे अछि। ताले देख एसीटिक एसीड्र गलनांक होछि केते 290 केल्विन, तो सेहिपरि तार स्फुटनांक होछि केते 391 केल्विन। बुझिपारछ? तो जदि देख मन कर एग्जाम एटी गणनांक जदि देख मन कर डिग्री सेलसीयस रे देथांता, ताहाले जदि तमे 290 लिखिबो सेटा भूल हेइजिबो। तो देख केल्विन को आमे डिग्री सेलसीयस रे परिणत करिवार अछि, माने आमे कोन करबा एथिरे आमे 273 माइनस करबा। केते माइनस करबा? 273 आमे माइनस करबा। तो माइनस करले केते आछ देख एटी 17 आछ। बुझा पड़छ? माने देख एसिटिक एसिड रा गणनांक होछि केते 17 डिग्री सेलसीयस। बुझा जी तुम एग्जाम देखो एठार कौन केल्विन अच्छी ना डिग्री सेलसीयस रे अच्छी। तो से देख ये स्फुटनांक कौन केल्विन रे थिले कौन 391, जदि ये कौन डिग्री सेलसीयस रे थांता ताहले एथिरे तुम कौन कर 273 माइनस करने को पड़ो। बुझा पड़ा? तो नेक्स्ट देख क्लोरोफॉर्म र गलनांक और स्फुटनांक डेस। तो क्लोरोफॉर्म मान कौन CH3Cl3। तो यार गलनांक देख केल्विन रे अच्छी केते 209 केल्विन, तो से स्फुटनांक केते 334 केल्विन। तो नेक्स्ट देख इथानल र गलनांक और स्फुटनांक डेस। तो इथानल र गलनांक देख फास्ट आम इथानल र संकेत लिखिदेबा CH3CH2OH। बुझिपारछ? ताहले इथेनॉल रो गलनांक होछि केते 156 केल्विन, तो से पर स्फुटनांक होछि केते 351 केल्विन। तो नेक्स्ट मिथेन रो गलनांक ओ स्फुटनांक डेस। तो देख मिथेन रो संकेत कोन CH4, तार गलनांक देख केते केल्विन रो अछि 90 केल्विन, तो से पर स्फुटनांक होछि केते 111 केल्विन। मने कर देख गलनांक जदि कोन डिग्री सेल्सियस रे देथांता ताहले डी कोन करबा आमे -273 आमे करबा, ताहले केते आसीबो एठि -183। बुझिपारछ? माने कौन मिथेन र गलनांक डिग्री सेलसीयस रे केते हबो -183 डिग्री सेलसीयस। बुझा पड़ुछि ना? तो नेक्स्ट आम देख करिबा 7 नंबर क्वेश्चन। तो बर्तमान आम देखा 7 नंबर क्वेश्चन। तो देख ये कौन दी कार्बन रो डेस टी संयोजक इलेक्ट्रॉन रही। तो देख संयोजक इलेक्ट्रॉन रो अर्थ होची कौन तार बाह्यतम कक्ष में कतोटी इलेक्ट्रॉन रही। तो आम जाने कौन कार्बन रो परमाणु क्रमांक होची केते 6 ना नहीं, कार्बन रो परमाणु क्रमांक 6। ताहले कौन तार प्रथम कक्ष में 2टी इलेक्ट्रॉन रहिबो एवं द्वितीय कक्ष में कौन 4टी इलेक्ट्रॉन रहिबो। बुझिपारछ? ताहले तार कौन संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या होची केते 4 हबो, तार बाह्यतम कक्ष में कौन 4टी इलेक्ट्रॉन रहिबो। तो आंसर होची कौन 4। बुझा पड़ा? तो नेक्स्ट देख दुईटी ऑक्सीजन परमाणु मध्य डेस बंध रहिबो। देख दुईटी ऑक्सीजन परमाणु कहला तो आम जाने कौन ऑक्सीजन रो परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन रो परमाणु क्रमांक होची केते 8। ताहले तार इलेक्ट्रॉन सजा कौन हम 2-6 हम, माने देख यार बाह्यतम कक्ष में कतोटी इलेक्ट्रॉन रोचे 6टी इलेक्ट्रॉन रोचे। देख जदि आम कर देख ऑक्सीजन रो कौन बाह्यतम कक्ष में कतोटी इलेक्ट्रॉन 6टी, माने देख 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं जावा। तो से हीपरि देख आउ गोटे ऑक्सीजन नेबा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं जावा। ताहले देख ये जो ऑक्सीजन को आउ 2टी इलेक्ट्रॉन दरकार, ये कौन ऑक्टेट स्थिति में पहुँचापी आपको कौन आउ 2टी इलेक्ट्रॉन दरकार। ताहले ये कौन हम ए ऑक्सीजन कौन 2टी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर, ये मध्य कौन 2टी इलेक्ट्रॉन एटी शेयरिंग किंबा सहभाजन करेंगे। माने देख बर्तन कौन देख ये 8टी इलेक्ट्रॉन होगा, आर मध्य कौन 8टी इलेक्ट्रॉन हेगला। माने देख ये क्वेश्चन में कौन पचार दुईटी ऑक्सीजन परमाणु मध्य डेस बंध रहिबो। तो देख ये कौन केते जोड़ा इलेक्ट्रॉन एटी शेयरिंग होउछि, देख एठारे कौन दुई जोड़ा इलेक्ट्रॉन एटी शेयरिंग होउछि, माने देख गोटे जोड़ा इलेक्ट्रॉन को आम कौन एक बंध देबा आ गोटे जोड़ा इलेक्ट्रॉन को आम एक बंध देबा, माने कौन एठी मोट केते दुई बंध रहिबो। ताहले आम जानिले कौन दुईटी ऑक्सीजन परमाणु मध्य डेस बंध रहिबो, केते बंध रहिबो दुई बंध रहिबो, माने कौन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मध्य दुईटी बंध रहिबो। तो से पर नेक्स्ट देख दुईटी नाइट्रोजन परमाणु मध्य डेस बंध रहिबो। तो आम जाने कौन नाइट्रोजन रो परमाणु क्रमांक होची केते 7, नाइट्रोजन रो कौन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक केते 7। ताहले तार इलेक्ट्रॉन संख्या कौन हम 2, 5 हम, माने कौन यार बाह्यतम कक्ष में 5टी इलेक्ट्रॉन रहुची। देख जदि आम कर नाइट्रोजन तार बाह्यतम कक्ष में कौन 5टी इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5 करवा। तो से आ गए नाइट्रोजन
1, 2, 3, 4, 5 करिबा ताहले एटी कोन देखो एटी कोन ए नाइट्रोजन टा तीनोटी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करिबो ये मध्ये कोन तीनोटी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करिबो तो शेयरिंग करले कोन से माने ऑक्टेट स्थिति रे रही पारिबे माने देखो वर्तमान देखो ए नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हे गला तो से फिर ए नाइट्रोजन रे मध्ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो माने देखो जदी हम इमिट कर देबो ताहले कोन आठटी इलेक्ट्रॉन हे जिवो ताहले देखो एटी केते जडा इलेक्ट्रॉन रहिला एठरे कोन तीन जडा इलेक्ट्रॉन रहिला बुझा पडला माने में जानिले कोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन मध्यरे त्रिबंध रहिबो आंसर होची कोन त्रिबंध ठीक अछि ना तो नेक्स्ट देखो सीएनजी रो पूरा नाम डैश तो एडा में जानि छे सीएनजी रो पूरा नाम होची कोन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो सीएनजी रो पूरा नाम कोन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किबा ताको हम ओडिया रे कोन कहबा संचापित प्राकृतिक गैस बोली कहबा तो नेक्स्ट देखो रसायनविद मानंकु संकेत सह जणाथिबा कार्बन यौगिक रो संख्या होची डैश तो आम जाने कौन रसायनविद मान को संकेत सह जाना कार्बन यौगिक संख्या होची केते 3 न्यूटरु अधिक 3 न्यूटरु अधिक कार्बन यौगिक रसायनविद मान संकेत सह जानी वर्तमान आम देखिए 12 नंबर क्वेश्चन तो देख ये कौन दी फेड्रिक फलर डैश मसीह एमोनियम सियानेट्रु यूरिया प्रस्तुत करते तो के 1828 मसीह से कौन करते एमोनियम सियानेट्रु से यूरिया प्रस्तुत करते तो से नेक्स्ट देख प्रोपेन रो आणविक संकेत डैश देख ये प्रोपेन अच्छी मान ये हूँ कौन आल्केन ग्रुप तो आम जाने कौन आल्केन रो साधारण अणु संकेत हूँ कौन सी एन एच टू एन प्लस टू ताल देख ये कौन अच्छी प्रोप अच्छी तो आम जाने प्रोप मानने कौन कार्बन केतोटी रही है तीनो कार्बन रही मानने कौन हम ये एन जगह आम तीन लिखा तो सी थ्री एच कौन दुई तीन छः एन हूँ थ्री मानने कौन दुई तीन छः छः प्लस दुई के आठ मानने आम जानदे कौन प्रोपेन रो आणविक संकेत हूँ कौन सी थ्री एच एट आंसर हूँ कौन सी थ्री एच एट तो से नेक्स्ट देख एथीन रो आणविक संकेत डैश तो ये एथीन मानने कौन यहाँ हूँ आल्किन ग्रुप तो आल्किन ग्रुप साधारण अणु संकेत हूँ कौन सी एन एच टू एन ताल कौन देख ये एथीन अच्छी मानने कौन ये एथ थी कौन हम कार्बन संख्या दुईटी ताल कौन हम सी टू एच दुई इंटू दुई हम फोर मानने आम जानले कौन एथीन रो आणविक संकेत हूँ कौन सी टू एच फोर यहपर भाव में देख तुम एग्जाम जो कार्बन यौगिक संकेत पचारे तुम्हें करपार तो सब कार्बन यौगिक संकेत गुड़ाक किपर मन रखा तार मुझे गोटे भिड करी देखीन ताहले मु लिंक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए तुम्हें देखिपर ताल नेक्स्ट देख साइक्लोहेक्सेन संकेत डैश तो देख आम जानी हेक्सेन संकेत हूँ कौन सी सिक्स एच फोर्टीन हेक्सेन संकेत हूँ कौन सी सिक्स एच फोर्टीन किंतु ये कौन अच्छी साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लोहेक्सेन मान कौन ताकि कौन चक्राकार हिसाब से जो सजेबा ताल तार संकेत कौन हम सी सिक्स एच ट्वेल्व हम मन रखी हेक्सेन संकेत है सी सिक्स एच फोर्टीन किंतु साइक्लोहेक्सेन संकेत हूँ कौन सी सिक्स एच ट्वेल्व बुझा पड़ा तो नेक्स्ट देख बेंजिन संकेत डैश तो बेंजिन संकेत हूँ कौन सी टू एच सिक्स तो वर्तमान आम देखा 17 नंबर क्वेश्चन तो देख ये कौन दीजिए एक एमोनिया अणु में डैश टी बंध रही था तो देख आम जानी कौन एमोनिया रो संकेत हूँ कौन एन एच थ्री एमोनिया रो संकेत कौन एन एच थ्री ताल एमोनिया अणु में डैश टी बंध रही देख आम जानी नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक हूँ केत तार बाह्यतम कक्ष में पांचटी इलेक्ट्रॉन रही देख नाइट्रोजेन बाह्यतम कक्ष में कौन पांचटी इलेक्ट्रॉन रही बुझा पड़ी तो से देख हाइड्रोजन के तीनोटी मैंने देख ये गोटे हाइड्रोजन देवा ये गोटे हाइड्रोजन देवा आई गोटे हाइड्रोजन आम देवा ताल कौन देख नाइट्रोजेन रोटे इलेक्ट्रॉन आ हाइड्रोजन रोटे इलेक्ट्रॉन कौन हम ये शेयरिंग हम तो से कौन ये नाइट्रोजेन रोटे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रोटे इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग हम तो ये शेयरिंग हम बुझा पड़ी तो से देख नाइट्रोजेन को देख आम देदे गोटे बड़ गोल तो ये कौन नाइट्रोजन ऑक्टेट स्थिति में पहुंचीगला ताल आम देखा कौन देख कौन एठार दुईट इलेक्ट्रॉन कौन ये शेयरिंग हो दुईट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती दुईट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती तार अर्थ हूँ कौन नाइट्रोजन आउ कौन हाइड्रोजन मध्य कौन तीन बंध रोच बुझा पड़ी ना मानने आम जानी कौन दुईट इलेक्ट्रॉन को आम कौन एक बंध ना तो देख ये कौन नाइट्रोजेन रण आउ हाइड्रोजन मध्य तीनो बंध रुझा पड़ा तो आंसर हूँ कौन तीनो बंध रो से नेक्स्ट देख बेंजिन अणु में
डैश टी सह संयोज्य बंध अच्छे। तो देख आम जानसे कौन बेंजीन संकेत हूँ कौन सी सिक्स एच सिक्स। देख मुझे साइड चित्र देखा दूसरी बेंजीन संरचना। तो देख बेंजीन संरचन टोटाल 15 बंध रहा। देख तुम कौन बेंजीन संरचन कौन टोटाल 15 बंध रहा। तो ये आंसर अच्छे के 15 बुझा पड़ी। तो नेक्स्ट देख कैल्शियम इलेक्ट्रॉन संरचना डैश। तो कैल्शियम मैंने देख कैल्शियम परमाणु क्रमांक हूँ कैसे 20। ताल तार इलेक्ट्रॉन संरचना कौन हम प्रथम कक्ष में 2 द्वितीय कक्ष में 8 तृतीय कक्ष में 8 चतुर्थ कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहा। मैंने देख 2 8 10 10 8 18 18 2 20 बुझा पड़ा। ताल तार इलेक्ट्रॉन संरचना कौन हम 2 8 8 2 हम। तो नेक्स्ट नंबर गोटे सहसंयोज्य बंध गठन डैश टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक। देख आम ये कले गोटे बंध गठन कतो इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ी 2 इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ी। तो आंसर के हम 2। तो नेक्स्ट नंबर सहसंयोज्य यौगिकर अंतः अणुक बल डैश थाए। मैंने कौन आंसर अच्छे कम। तो सहसंयोज्य यौगिकर अंतः अणुक बल कौन पूरा कम थी कहीं। तो से कौन इलेक्ट्रॉन गुड़ाक सेयरिंग करुँच जहाँफल कौन तर अंतः अणुक बल गुड़ाक पूरा कमी जाए बुझा पड़ा। तो बर्तमान आम देखा 22 नंबर क्वेश्चन। तो देख ये कौन दे आल्किन श्रेणी पंचम जौगिक संकेत डैश बोली कही। तो आम जानचे कौन आल्किन श्रेणी प्रथम जौगिक हूँ कौन एथिन माने एथिन रु स्टार्ट हे। तो एक नंबर हूँ कौन एथिन आ 2 नंबर कौन प्रोपिन आ 3 नंबर ब्यूटिन 4 नंबर पेंटिन आ 5 नंबर कौन हेक्सिन हे। देख ये बहुत पिला मैंने पूरा कन्फ्यूज भूल कर दिखती कौन देख ये पंचम अच्छी। तो से कौन C5 भाविक से कौन C5H10 कर दिखती जोटा कि कौन पेंटिन लिख दिखती। तो ये देख पंचम जौगिक मैंने कौन हेक्सिन टा पंचम जौगिक हम कहीं कौन आल्किन ग्रुप रे एथिन रु स्टार्ट हम तेणुक कौन एटे पंचम जौगिक हूँ कौन हेक्सिन बुझा पड़ा। नेक्स्ट देख केवल डैश जलिले शिखा सृष्टि हम। तो आंसर अच्छे कौन गैसीय पदार्थ केवल गैसीय पदार्थ जो जल्द ताल कौन शिखा सृष्टि हम। तो नेक्स्ट नंबर आल्काइन श्रेणी तृतीय जौगिक कार्बन परमाणु गुड़िक डैश टी रासायनिक बंध अच्छी। फास्ट आम देखा देख आल्काइन। तो आल्काइन श्रेणी तृतीय जौगिक कौन आम देखा। तो आल्काइन कौन से इथाइन रु स्टार्ट हे। तो फास्ट जौगिक हूँ कौन इथाइन आ सेकेंड हूँ कौन प्रोपाइन आ थर्ड हूँ कौन ब्यूटाइन। मैंने देख आल्काइन श्रेणी तृतीय जौगिक हूँ कौन ब्यूटाइन है ब्यूटाइन। ताल देख ब्यूटाइन संकेत कौन देख आम जानचे आल्काइन साधारण अणुसंकेत हूँ कौन CnH2n-2। ताल देख ब्यूट अच्छी मैंने ब्यूट मैंने कौन कार्बन संख्या 4। तो C4H कौन हम 4 × 8 8 − 2 के 6। मैंने देख ब्यूटाइन रण संकेत हूँ C4H6। ताली कौन तार कार्बन परमाणु गुड़िकतोटी बंध अच्छी पचारे। देख ये कौन कार्बन संख्या 4 तो आम कौन 4 कार्बन ने। तो आम जानसे कौन आल्काइन ग्रुप रे कौन कार्बन कार्बन पूरण मध्य कौन गोटे पाखे कौन 3 बंध रही थी त्रिबंध रही थी। ताल देख ए कार्बन रेख आउ 3 जज्यता। तो से देख ए कार्बन रोटी जर्जिता संपूर्ण होगा। तो से ए कार्बन रोटी जर्जिता संपूर्ण होगा ए कार्बन रेख आउ 3 जर्जिता रहा। मैंने देख बर्तमान आम हेच देद ताहले देख एठारे कौन हेच के 6 है मैंने ठीक अच्छे C4H6। ताहले क्वेश्चन में कौन पचारा तृतीय जौगिक कार्बन परमाणु गुड़िक डैश टी बंध अच्छी। देख आम देखा केवल कार्बन परमाणु गुड़िक कतोटी बंध अच्छे आम देखा। देख ये गोटे बंध अच्छे 1 ये 3 अच्छी 4 ये गोटे अच्छी 5 बुझा पड़ा। ताल आंसर हम कौन 5। जदि से पचार कौन कार्बन न देखिए ये मन से कौन कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु मध्य कतोटी बंध अच्छी पचार कौन आम सब बंध को आम काउंट करते मैंने देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केवल कार्बन परमाणु बोली कहला मैंने कौन आम देखा केवल कार्बन परमाणु मध्य कतोटी बंध अच्छे ये 5 बंध अच्छे बुझा पड़ा ना। तो ये आंसर हूँ 5। तो नेक्स्ट देख पेंटेन अणु डैश टी हाइड्रोजेन अच्छी। तो देख आम जानसे कौन पेंटेन संकेत हूँ कौन C5H12 बुझिपार। पेंटेन हूँ कौन आल्केन ग्रुप। तो आल्केन साधारण अणुसंकेत हूँ कौन CnH2n+2 ना ना। ताल देख ये कौन पेंटेन अच्छी मैंने कौन सी के हम सी 5 हेच कौन देख 2 × 5 केते 10 10 + 2 केते 12। ताल हाइड्रोजन केते रोचे 12 रोचे बुझा पड़ा कि। तो नेक्स्ट टाइम करिबा 26 नंबर क्वेश्चन।
तो वर्तमान आम देखा 26 नंबर क्वेश्चन। तो देख ये कौन दे अत्यधिक चाप व ताप प्रयोग कर विशुद्ध कार्बन रु डैश संश्लेषण कर देख विशुद्ध कार्बन को जदि आम कौन अत्यधिक चाप प्रयोग करवा ताप प्रयोग करें हीरा को आम संश्लेषण कर बुझा पड़े ना। तो नेक्स्ट देख सरलतम आल्किन हूँ डैश तो ये आंसर हूँ कौन एथिलीन किंवा आम एथिन बोली कह। तो नेक्स्ट देख द्विबंध या कार्बन जौविक नाम शेष भाग में डैश जोग होता है। तो देख ये कौन दी द्विबंध या कार्बन जौविक माने कौन कार्बन कार्बन मध्य जदि कौन द्विबंध थे आम कौन कह आल्किन ग्रुप कह। तो आल्किन ग्रुप मान कौन तार शेष हम इन लगे बुझा पड़ा ना। द्विबंध या कार्बन जौविक नाम शेष भाग में कौन इन किम कौन ओडिया इन आम लगे मानने कौन एथिन हो कि प्रोपिन पेंटिन हेक्सीन तो यहपर भाव में कौन आम इन लगे। तो नेक्स्ट देख कार्बन C4+ डैश सृष्टि चारोटी इलेक्ट्रॉन त्याग करता। देख कार्बन जदि कौन चारोटी इलेक्ट्रॉन त्याग करता ताहले कौन हम ये C4+ ये काटायन सृष्टि हम ये आंसर हो कौन काटायन बुझा पड़ा। जदि से कौन चारोटी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता कौन हम आनायन होता। तो सेपर नेक्स्ट नंबर झलई कार्य डैश गैस व्यवहृत हुए झलई कार्य कौन इथाइन गैस व्यवहृत हम। बर्तमान आम देखा 31 नंबर क्वेश्चन। तो देख ये कौन दे C4H8 जौगिकर पूर्ववर्ती जौगिकर संकेत डैश बोली कही। तो फास्ट आम जाना C4H8 ए संकेतर नाम कौन आम जाना। तो देख ये कौन C4 अच्छी मानने कौन से ब्यूट ना ना। तो सेपरी H8 मानने कौन से ब्यूटिन है ए संकेतर नाम हूँ कौन ब्यूटिन बुझा पड़ा। ताहले तार पूर्ववर्ती जौगिक कौन हम प्रोपिन हम आर पूर्ववर्ती जौगिक कौन C3H6 माने सेटा होची कौन प्रोपिन बुझा पड़ा कि देख प्रप्र कार्बन संख्या केनोटी ना नाई तो हेच कौन 6 ताल कौन से प्रोपिन हम बुझा पड़ा। तो नेक्स्ट नंबर देख आम व्यवहार करुवा अधिकांश जौगिक डैश द्वारा गठित आम व्यवहार करुवा अधिकांश जौगिक कौन कार्बन रही आंसर हूँ कौन कार्बन द्वारा गठित। तो नेक्स्ट देख हेक्सेन जौगिक डैश टी सह संयोज्य बंध अच्छी तुम्हें देखिए कौन हेक्सेन। तो हेक्सेन संकेत हूँ कौन C6H14 ना ना ताल कौन हेक्सेन रौगिक डैश टी सह संयोज्य बंध अच्छे आम देखा। तो देख सी के 6 माने देख आम कार्बन नहीं जाए कतेटा 6 बुझा पड़ा। आ तार कौन बाकी रही जज्यता आम कौन संपूर्ण करवा हेच द्वारा ठीक अच्छे ताल देखा कौन एतोटी बंध बर्तमान रोचे आम देखा। देख एथिरे केतोटी बंध रहा है देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देख आम जान ली कौन हेक्सेन जौगिक डैश टी सह संयोज्य बंध अच्छी केतोटी अच्छी 19 टी सह संयोज्य बंध रही। तो नेक्स्ट देख अणु संकेत समान किंतु संरचना अलग अलग थिबा जौगिक गुड़ को आम कौन कह संरचनात्मक आइसोमर बोली कह बुझा पड़ा। अणु संकेत समान किंतु कौन संरचना अलग अलग होगी रही थोड़े आम कौन कह जौगिक को आम संरचनात्मक आइसोमर कह। तो नेक्स्ट नंबर देख कार्बन दहन फल कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होगा सहित डैश निर्गत हम तो ये आंसर हूँ कौन ताप और आलोक शक्ति निर्गत हम। देख कार्बन को जब कौन ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करवा कि दहन करवा ताहले कौन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न हम ता सहित कौन ताप वो आलोक शक्ति निर्गत हम बुझा पड़ा कि। तो यहाँ थी तुम कार्बन वो यार जौविक सर्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करिबा मौलिक गुड़िकर पर्याय श्रेणीकरण सर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।